नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पेशल। मैं हूं आपके साथ दुष्या, और एक्सप्रेस स्पेशल में हम पांच बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे जिनका सरोकार व्यवस्थाओं को लेकर है और समाज में क्या चल रहा है उनसे ताल्लुक रखने वाला है। और सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं जहां आजाद हिंदुस्तान की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर है आजादी के 70 साल में हुए हमारे विकास की मिसाल की, और ये तस्वीर है एक ऐसे गांव की जिसके लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। जरा देखिए, छत्तीसगढ़ के कोरबा से आई ये तस्वीरें। कोरबा ब्लॉक के तहत आने वाला ये गांव है हरदी मारा, और इस गांव में करीब 25 परिवार जनजाति के हैं। ये परिवार पूरी तरह से जंगल और पहाड़ों पर आश्रित हैं। अपने जीवन यापन के लिए वे जंगल से कंदमूल इकट्ठा करते हैं, और यही इन परिवारों का मुख्य भोजन भी है। हैरानी वाली बात यह है कि यहाँ के लोगों ने कभी स्कूल की सूरत तक नहीं देखी है। हालांकि इन्हें अपने बच्चों को पढ़ाने की तमन्ना जरूर है, मगर अफसोस की बात यह है कि गांव के इर्द गिर्द कहीं स्कूल है ही नहीं, और विकास की दौड़ में ये गांव इतना ज्यादा पिछड़ा हुआ है कि यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र तक नहीं है। छोटे छोटे बच्चे घर खेत और खलिहान में खेलते हुए बड़े हो जाते हैं, और इनके सामने भविष्य को लेकर भी कोई सपना भी नहीं। इनमें कोई दो राय ही नहीं है कि अगर इस गांव में भी शिक्षा की अलग जगह दी जाए तो होनहार बच्चे अपना भविष्य बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की दिलचस्पी नहीं होने के कारण गांव के बच्चे फिलहाल शिक्षा से कोसों दूर नजर आ रहे हैं। तकले पढ़ाई छोड़ा दिया तुम जाए के स्कूल नहीं है मेरे यहाँ तो कहाँ तो एकदम सही याद भी हम बोर बैग घन कोई पढ़ और हम कुछ देखा गाली ना देखा ना सरपंच के काम हूँ ना मुरुम कुछ नहीं दीछे और हमारे स्कूल में पास कर रहे थे कहाँ कर खोज के लाइन के बनाई है बिजली तो डुप्लीकेट के तैयार है दे दी पानी पानी क्या व्यवस्था है पानी व्यवस्था अभी करे हैं कुआ खाने हैं अभी और ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता मनोज यादव फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, कोरबा के एक गांव जो पूरी तरह से जंगल और पहाड़ों पर आश्रित जनजाति यानी पूरे तरीके से प्राकृतिक चीजों से पर ही निर्भर है पूरा गांव, लेकिन सवाल यही कि सरकार की निगाहें आखिर इस कोरबा के एक गाँव पर क्यों नहीं जा रही है, क्यों उसे अछूता रखा जा रहा है सभी सुविधाओं से वाली बात है। सरकार जहाँ अच्छी बेहतर शिक्षा के लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, वही कोरबा विकासखंड के सोनगुड़ा ग्राम पंचायत का आश्रित ग्राम हरदी मारा है जहाँ धनवार जनजाति के लगभग 2 दर्जन से अधिक परिवार निवास करते हैं। गांव जो है जंगल और पहाड़ों से आश्रित है, ग्रामीण कंदमूल खाकर जो जीवन यापन करते हैं। गाँव से 5 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्कूल होने के चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, न ही गाँव में कोई आंगनबाड़ी की सुविधा है। गांव जो है घनघोर जंगल से घिरा हुआ है और हाथी प्रभावित क्षेत्र होने के चलते बच्चे जो है स्कूल जाने नहीं जाते। इसकी जानकारी शासन प्रशासन को भी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अब तक अनदेखी की जा रही है। आजादी के 70 साल से भी ज्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन आखिर सवाल ये कि इतने सालों में विकास या विकास से जुड़ी कोई भी चीज इस गाँव तक क्यों नहीं पहुँची। क्या आपने इलाके से कोरबा में जितने विधायक हैं उनसे या कोरबा से सांसद हैं उनसे या जनप्रतिनिधियों से बातचीत करने की कोशिश की, किस तरीके का आश्वासन मिला है या उनके संज्ञान में भी ये बातें नहीं है? जी ये बातें तो संज्ञान में है, लेकिन अब तक किसी के द्वारा प्रयास नहीं किया गया कि बच्चे स्कूल जाएं या फिर उन्हें कहीं आश्रम में भेजा जाए या पढ़ाई करें। उन्हें बस जन जागरूकता की ही जरूरत है। इस खबर कई बार प्रकाशित भी किया जा चुका है और जिला शिक्षा अधिकारी का संज्ञान में भी दिया गया है। जी, इस संदर्भ में आपने प्रशासन के नुमाइंदों से बातचीत करने की कोशिश की? जी, जिला शिक्षा अधिकारी सतीश कुमार पांडे जी है, उनसे संपर्क किया गया, लेकिन वो फोन भी उठाने को तैयार नहीं है। इस संबंध में उनको जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन इस इलाके में जो लोग रहते हैं क्या उनकी तरफ से किस तरीके की कोशिश की गई कि कम से कम अगर प्रशासन या सरकार हमें भूल गई है तो याद दिलाने की कोशिश की इन्होंने? जी, ग्रामीणों का कहना है कि सरकार हमें शिक्षा से कोसों दूर कर रखी है। इससे पहले भी कई बार शासन प्रशासन की इसकी जानकारी दी जा चुकी है कि स्कूल काफी दूर होने के चलते छोटे छोटे बच्चे हाथी प्रभावित होने के चलते स्कूल नहीं जा पाते हैं, नाला पार कर उनको जाना पड़ता है।
तो गांव में ही उनकी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, प्राथमिक स्कूल खोला जाए, आंगनबाड़ी खोला जाए, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे पाई। मनोज, जिस गांव की जनसंख्या कितनी बताई जाती है? जनसंख्या लगभग 650 से जुड़ा हुआ जनसंख्या इसमें, और आसपास गांव भी छोटे छोटे गांव जुड़े हुए जंगलों से घिरा हुआ है। जी, तो क्या अभी तक किसी भी क्या एक भी व्यवस्था या एक भी सुविधा सरकार की तरफ से, जो इतनी सारी हजारों जितना मैं आकलन कर पा रही हूँ 1000 से भी ज्यादा योजनाएं अभी हाल ही की जो शुरू की गई हैं, क्या उनमें से एक भी योजना का या किसी भी तरीके की व्यवस्था का लाभ इन लोगों को नहीं मिल पाता है? जी, ग्रामीणों को आरोप है कि हमें किसी तरह का कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। बच्चे जो है घर के आंगन जंगल के आसपास खेल कूद कर ही अपना जीवन यापन करते हैं। छोटे छोटे बच्चे आंगनबाड़ी जाने के समय में वो अपने घर से ही गुड्डा गुड़िया खेल के समय बिताते हैं, बड़े होने के बाद आसपास जंगल में कंद मूल के लिए भटकते हैं। अब तक उनका कोई भी सुविधा योजना से लाभ नहीं मिल पा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। और अब अगली